हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी बज रही है दोपहर की एक। हम लोग तालाब पे आने में थोड़ा हो गए हैं लेट, थोड़ा तो नहीं खैर बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए हैं। और हम लोग आज नहीं काटेंगे बेल, क्योंकि हम लोगों ने कल काटी थी बेल और हमने बेल को भेजा था अपने फूफा जी के यहाँ पर। और आज हम लोग करेंगे तालाब में सफाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि तालाब में यहाँ पर काफ़ी सारा पानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये जो घास है ये भी अब लगातार ऊपर उठने लगी है, जिसको करना होगा हम लोगों को साफ, क्योंकि ये जो घास है वो लगातार बढ़ेगी ही। और हमारे तालाब में बेल को लगाने के लायक लगभग तो पानी हो ही गया है। वहाँ किनारे पे कुछ जगह अभी भी है जहाँ पे पानी नहीं पहुँचा है, लेकिन हम लोगों के पास अभी 7-8 दिन काम करने के लिए काफ़ी सारी जगह है, जिसको तो पहले हम लोगों को करना होगा साफ, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सिंघाड़े की बेल। और अभी है बहुत ही तेज़ धूप और आज मौसम में थोड़ी गर्माहट भी है और धमका भी हो रही है। कल भी मौसम साफ़ था और आज भी मौसम साफ़ है, लेकिन जिस तरीके से ये धमका हो रही है उस हिसाब से 1-2 दिन में पानी फिर से गिरेगा। ये देखिए मौसम खुला हुआ है और अभी आप धूप देखिए कितनी तेज़ से धूप है, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर ही है। और ये रहा नीला नीला आसमान जो कि अभी है बिल्कुल साफ़, और जिस हिसाब से गर्मी है तो हो सकता है कि काले काले बादल फिर से छाएं और बरसने लगे पानी। तो चलिए अब मैं लगता हूँ अपने काम पे और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम लोग तो हो गए हैं वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेट, इसीलिए अब हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी काम। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 5:30 और आज गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। पेड़ ऐसे हो गए हैं जैसे कि प्लास्टिक के हों, पेड़ तो जरा भी नहीं हिल रहे हैं और हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है और है बहुत तेज़ से धमका, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया है अपना काम। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी नारी थी और घास थी जिसको हम लोगों ने काट दिया है, और अभी भी यहाँ पे घास वगैरह कटी हुई डली है जिसको हम लोग अभी बाहर फेंकेंगे। और कुछ नारी और घास हम लोगों ने यहाँ पे फेंक दी है, ये आप देख सकते हो, और अभी कुछ वहाँ पे डली हुई है जिसको हम लोग अभी फेंकेंगे बाहर, और उसके बाद में देखेगी काफ़ी साफ साफ जगह है। तो चलिए मैं फेंकता हूँ इस घास को बाहर। तो दोस्तों अब बच चुके हैं 6:00 और आज तो हम लोगों की हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको मेरे चेहरे से ही लग रहा होगा कि मेरी कैसी हालत हो चुकी है। इतना ज़्यादा पसीना निकला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और पसीने के साथ साथ आज हम लोगों को लगी है बहुत ज़्यादा खुजली, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था और उसमें बनने लगता है ऊपर ऊपर फैना, जिसकी वजह से हम लोगों को लग जाती है बहुत ज़्यादा खुजली। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिया थोड़ा बहुत काम और अब हम लोग निकलेंगे तालाब से, क्योंकि इतनी तेज़ से शरीर में खुजली मच रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ तक और यहाँ किनारे की जो घास थी उसको उखाड़ के यहाँ पे फेंक दिया है। ये देखिए यहाँ पे ये घास आपको कम दिख रही होगी, लेकिन ये घास बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों अब मैं जाऊँगा और जल्दी से नहाऊँगा, क्योंकि मच रही है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुजली। बाय।